अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं हरे भरे कीमे के समोसे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक पैन ले लेंगे, यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा है जो कि 1 किलो है, बारीक मशीन का कीमा है ये बिल्कुल। इसको शामिल करेंगे पैन में, वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। 1 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पीस शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। कीमे को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है। यहाँ पर मैंने 10 हरी मिर्चें ले ली हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको कवर करके छोड़ देंगे। इसका पानी जब ड्राई होने को आएगा तो हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर सूखा धनिया ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, यहाँ पर जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, लाल कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, जब इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इसका पानी ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हटा लेंगे चूल्हे से, इसको ठंडा कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने एक दूसरे बर्तन में डाल के ठंडा करना है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज ले ली थी जिसे बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज जो है वो आपने जब कीमा हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उस वक्त शामिल करनी है, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत डिलीशियस इसका टेस्ट आता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर मैंने 1 बंच ले लिया था पूरा हरा धनिया का, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी फोल्डिंग बताती हूँ। बहुत इजी है फोल्डिंग, कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स हैं 1-2, उसको फॉलो करेंगे तो आराम से आपके समोसे बेहतरीन बिल्कुल भायर जैसे बन के तैयार होंगे। तो देखें, एक आपने कॉर्नर उठाना है, इसका एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर गए और इसकी पॉकेट बना ली। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम अपना कीमे का अमेजा जो हमने तैयार करके रखा है ये शामिल करेंगे। इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे से उठा के इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के रखा है मैदे का, ठीक है। सिंपल मैदा ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अब ये इसको हम लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा आपने लगाना है। इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ऊपर भी इसके लगाएंगे और इसको भी पेस्ट करके इसको लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, यानी कि आप बाहर भी रख के फ़ैन के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं, और आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको बना कर 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, आराम से इसको एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करें। अब इसी तरह मैं सारे बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देखें, मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसको एक बॉक्स में स्टोर कर लूँगी फॉर द रमज़ान। और यहाँ पर मैं अभी आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने समोसे। अच्छा, ये थोड़े से फ्रोज़न थे तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डाला, वरना ये फिर अंदर से कुक नहीं होते, इसीलिए। अब यहाँ देखें, इस पर बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऑयल आपने अच्छी तरीके से सारा निकाल लेना है।
तो तैयार है यहाँ पर हमारे कीमे के समोसे, तो चले आए इसको देखते हैं कि ये अंदर से कैसे लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बन के तैयार हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये समोसे की रेसिपी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर रेसिपी ट्राई करके मुझे पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग की किसी भी रेसिपी की रिक्वेस्ट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।